यहाँ क्या कर रही हो हिना? अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं अभी तक। हाँ समझ सकती हूँ, जब शौहर घर से निकाल दे तो। खालिद ने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद आई हूँ। हाँ एक ही बात है, वैसे सही कहते हैं मर्द जात पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। कोई सोच सकता था कि खालिद ऐसा कर सकते हैं? देखो ना, एक तरफ तो तुमसे मोहब्बत के दावे और दूसरी तरफ पहले से ही शादी रचा कर बैठे हुए थे। वो तो जारा को छोड़ चुके थे लेकिन वो जबरदस्ती आई। झूठ बोल रहे हैं कि वो खुद आई है। एक बात कहूँ ना, ये तीनों की प्लानिंग है। तुमसे उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे के बहाने उसे घर बुला लिया। वाह। नहीं भाभी, मेरे भाई ऐसे नहीं है। मुझे पता तुम मेरी बात पर यकीन करोगी ही नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी है। एक बात कहूं, मर्द होती बेवफा और हम औरतें इनके हाथों बेवकूफ बनती रहती है। वैसे अब तुम यहाँ थोड़ी रहोगी भाई, जितने भी अच्छे हो, जितने भी केयरिंग हो, शादीशुदा बहन को अपने घर में तो नहीं रखते ना, बोझ लगता है। माँ बाप भी घबरा जाते हैं। प्लीज भाभी, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। बात तो मैं भी नहीं करना चाहती। देखो हिना, इस घर में पहले इतने मसले मसाइल थे, कभी घर का मसला, कभी कारोबार का मसला, कभी ये मसला, कभी वो मसला। तुम्हारे वाली इतनी बड़ी बात हो गई है और तुमने देखा सब खालिद को कैसे काट खाने को दौड़ रहे थे। एक अरशद ही थे जो दोनों भाइयों के बीच में खड़े हुए थे और मना कर रहे थे, और वो दोनों भाई खालिद पे कैसे बरस रहे थे जैसे अभी उसे मार देंगे। भाभी आपको तो पता ही है हमारे घर में ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा, ये तुम कब की बात कर रही हो? वैसे जब से मैं इस घर में आई हूं ना, मैंने यही सब कुछ देखा।